दैशारी वर्मा और आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। उमरी का सामुदायिक शौचालय में अव्यवस्थाओं का भंडार। बहराइच जनपद के विकास खंड कैसरगंज की ग्राम पंचायत उमरी में बना सामुदायिक शौचालय में लगे गेट टूटने की कगार पर, वहीं दूसरी ओर टैंक के टूटने के कारण आसपास के घरों में बदबूदार स्मेल आने से लोग बेहाल हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उक्त शौचालय में साफ सफाई हवा हवाई है। यहाँ नियुक्त कर्मी सुबह आकर गेट खोलकर चले जाते हैं और साफ सफाई नहीं करते हैं, जिससे लोग गंदगी के कारण शौच के लिए बाहर ही जाते हैं। टैंकी के टूटने से गंदा पानी व मलबा बाहर बहकर आसपास ठहर जाता है, जिससे गंभीर बीमारियां फैलने की आशंका से ग्रामीण बेहाल है। ग्रामीण के लोगों ने मीडिया कर्मी सुनील कुमार गुप्ता से यह भी बताया है कि बरसात आने वाली है, बरसात की वजह से शौचालय का गंदा पानी शौचालय परिसर के आसपास फैल जाएगा, जिससे गंभीर बीमारी का सबब बन सकता है। अब देखना यह है कि खबर प्रकाशित होने के बाद योगीराज में ब्लॉक कैसरगंज के जिम्मेदार अधिकारी कार्यवाही करते हैं या फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अच्छा, बीडीसी हैं आप जी, तो ये जो आपके गांव पंचायत में सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, यहाँ की जो अव्यवस्था हम लोगों के द्वारा देखी गई है, अव्यवस्था के साथ साथ बहुत बड़ी गंदगी है। गंदगी इस प्रकार से है कि संक्रमण फैलने का खतरा बराबर बना हुआ है। तो ये सब समस्याएं हैं, जो इस समस्याओं के क्रम में क्या कहेंगे आप जी? अब इसके बारे में किसी अधिकारी को बोलो या किसी को बोलो तो कोई सुनवाई नहीं की जाती है। कौन अधिकारी कर्मचारी आपके यहाँ जो काम नहीं सुनते हैं? भीमसेन कुशवाहा से मैंने एक महीने पहले। भीमसेन कुशवाहा कौन है? सेक्रेटरी है गाँव पंचायत। अच्छा, सचिव हैं। तो क्या कह रहे हैं वो, जब एक महीने पहले आपने कहा उनसे? उसको दुरुस्त करवा देंगे। अच्छा, और टैंक दूसरा बनवा देंगे। इसके बाद कोई काम भी नहीं हुआ यहाँ पे। सड़क रखाव के लिए अनीता को रखा गया है, वो कोई साफ सफाई भी ढंग से नहीं करती। सुबह आती है ताला खोल के और शाम को भी ताला बंद करने के लिए आती है। यहाँ देखिए, टंकी में सुबह से लाइट थी, 8:30 बजे लाइट गई, टंकी में पानी भी नहीं है। अच्छा, पानी भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ की जो महिलाएं या फिर जो भी हैं, सब लोग बाहर शौच जाने को मजबूर होंगे? शौच जाते हैं या बाहर से पानी लेते हैं तब अंदर जाते हैं। सप्लाई भी यहाँ की टूटी हुई है, पानी नहीं आता है। पानी आता है, लेकिन पानी जैसे लाइट रहती है तब वो भरने नहीं आती। जी जी जी। अब जिसकी मर्जी हो, अगर कोई आया लाइटिंग में देखा तो मोटर चला। यहाँ के सब दरवाजे भी टूटे पड़े हैं, पीछे जो टैंक है वो भी सब बाहर बह रहा है, लाइटिंग सब गंदगी बाहर निकल रही है, संक्रमण फैल रहा है। तो इसके संबंध में आप ग्राम पंचायत के जिम्मेदार पद पे हैं, बीडीसी हैं, तो आप लोगों ने संबंधित विभाग में कहा तो उन्होंने आप तक कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। आपको क्या आश्वासन दिया उन्होंने, कुछ दिया? हाँ, कहा कि इसको करवा देंगे, हम बहुत जल्द करवा देंगे। तो हमका सर उसको करवा दीजिए। जी जी। बहुत गंदगी फैल रही है, वहीं पे मेरा मकान पड़ता है, बदबू जाती है। खाना पीना खाओ और उसी समय जब हवा चलती है तो बदबू जाती है। अच्छा, आपका मकान इसी सार्वजनिक शौचालय के पड़ोस में बना है? जी, ये मेरा मकान है, बिल्कुल गाँव से मिला हुआ शौचालय बना हुआ। जी जी। तो यहाँ पे अगर कोई हवा चलती है तो डायरेक्ट बदबू जाती है। खाना पानी खाने में दिक्कत होती है आप लोगों को? और कोई साफ सफाई, सारे टैंक फूटे हुए हैं, इसकी पानी इधर भी लीकेज हो रहा है, इधर भी लीकेज हो रहा है। जी, पूरा सब मिट्टी गीली हुई पड़ी है। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की?